दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और कुंग फू योगा के बारे में थोड़ा कुछ हमारी ऑडियंस को बताएं कि किस तरह की फिल्म होने वाली है और आपकी किरदार किस तरह के होने वाले हैं फिल्म। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कुंग फू योगा 3 फरवरी को रिलीज़ हो रही है और एक्शन फिल्म है। जैसे कि आजकल सब लोग पूरी फैमिली ऑडियंस जिसको बोलते हैं कि यू नो बच्चे बुजुर्ग माँ बाप सब लोग भाई बहन सब लोग एक फिल्म जो देखनी चाहिए सबको साथ में, सो वो है कुंग फू योगा। और आपको मज़ा आएगा एक्शन देखते हुए, बॉलीवुड डांस में पहली दफ़ा जैकी चैन आपको डांस करते हुए दिखाई देंगे हिंदुस्तानी कपड़ों में। और बड़ी खूबसूरत लड़कियां हैं दोनों, दिशा एंड अमायरा, ये खूब एक्शन करती हुई दिखाई देंगी आपको, डांस करती हुई दिखाई देंगी। सो वी हैव मेनी रीजंस टू वॉच कुंग फू योगा एंड इज द फर्स्ट इंडियन चाइनीज कोलैबोरेशन फिल्म विच हैज़ गॉट लॉट्स ऑफ चीजेस, कार चीजेस, एक्शन, एनिमल्स, एवरीथिंग एंड अबव ऑल इट्स अ स्टैनली टोंग एंड जैकी चैन कॉम्बिनेशन, जिन्होंने बड़ी कमाल की फिल्म दी हैं, रंबल इन द ब्रॉन्क्स, पुलिस स्टोरी, सुपर कॉप, बहुत सारी फिल्म्स। आई थिंक इसलिए एक्सक्लूसिवली इस फिल्म को जरूर जाकर देखिए। फुल ऑन एंटरटेनमेंट, एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर, व्हाटएवर यू कैन एक्सपेक्ट सब कुछ मिलेगा। बच्चों के लिए स्पेशली आई वुड रेकमेंड बिकॉज आई थिंक वी ऑल हैव ग्रोन अप वॉचिंग जैकी चैन, तो आई एम श्योर दैट यू हैव लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग इन इंडिया, सो यू मस्ट गो वॉच। यू हैव दीज टू सुपर स्टार्स फ्रॉम इंडिया, सोनू सूद एंड अमायरा दस्तूर, एंड वी ऑल हैव रियली वर्कड हार्ड, एंड डांस भी है बाय द वे बॉलीवुड, जैकी चैन डांसिंग इन टू बॉलीवुड सॉन्ग। सो या आई थिंक एवरीबडी इज गोना लव इट, एंड वंस यू गो एंड वॉच इट यू जस्ट एंड अप स्माइलिंग, लाफिंग एंड यू नो जस्ट एंजॉयिंग इट। कायरा किस तरह की लड़की है? कायरा हमारा तरह की लड़की होगी। अच्छा, अस्मिता किस तरह की लड़की है और अपने रियल लाइफ से कितना कनेक्ट करेगी आप इस किरदार को लेकर? थोड़ा बहुत, बिकॉज मैं भी ज़्यादा बात नहीं करती हूँ रियल लाइफ में, अपने में रहती हूँ। अस्मिता एक इंडियन प्रिंसेस है, आर्कियोलॉजिस्ट है, थोड़ा सा रिलेट कर पाई, ज़्यादा नहीं कर पाई बिकॉज बीइंग अ प्रिंसेस आई हैव टू बी वेरी कंपोज, आई हैव टू सिट इन अ प्रॉपर वे, टॉक इन अ पर्टिकुलर वे, ग्रेस चाहिए, सो वो सब मुझे स्टैनली सर ने सिखाया। बट या दैट्स द कैरेक्टर, बट एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शी इज़ ऑल्सो लाइक किकिंग एंड पंचिंग द बैड गाइज। सो या तो कायरा बिल्कुल मेरे जैसे ही है, शी इज़ फन, शी इज़ मिस्चीवियस, शी इज़ थोड़ा लेकिन नो मॉडर्न, एंड जैसे दिशा ने अभी बताई कि इवन शी इज़ अ इंडियन प्रिंसेस, तो दिशा मेरी बड़ी बहन है फिल्म में, छोटी बहन कम्बा। सो या सो यू सी मैच्योरिटी एंड इमैच्योरिटी बेसिकली इन द फिल्म, एंड आई थिंक इट्स लाइक फन व्हेन यू कट टू पीपल हु आर कम्प्लीटली ऑपोजिट एंड प्लेइंग लाइक दीज काइंड ऑफ फन कैरेक्टर्स, इट क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ chemistry on screen that I think is needed with all the characters if you ever do like a full on comedic movie. And yeah, she's really fun, she packs in a few punches and she's a funny girl. डायरेक्टर और जैकी एकदम अलग अलग करने में थक जाते थे, इतनी घमासान एक्शन, तो उन्होंने वही बोला कि जो एक्शन अगर आपको करना चाहते हो तो ऑफ स्क्रीन खूब सारा एक्शन करोगे, उसकी प्रैक्टिस ऑफ स्क्रीन कर दी, कैमरे के पीछे एक दूसरे की फाइट, उसके बाद दे यूज्ड टू बी रियली वार्म्ड अप और फिर एक्शन शुरू होता था। जैकी चैन को बॉलीवुड डांस सिखाना कितना मुश्किल रहा या कितना, और आप उनको सीखना कितना डिफिकल्ट रहा? आई थिंक जैकी चैन खुद बड़े कमाल के डांसर हैं, लेकिन पहली दफ़ा उन्होंने किया, आई थिंक वहाँ पे चाइनीज फिल्म में आज तक एक्शन ही करते आए हैं। फराह खान ने करवाया था उनसे, खूब डांस करवाया, खूब प्रैक्टिस बहुत करते थे आके, और बड़े एक हार्ड वर्किंग, एक जैसे न्यू कमर होता है वैसे उन्होंने रिहर्सल्स की अपनी, दैट्स व्हाई ही लुक्स सो ग्रेसफुल एंड ऑलवेज स्माइलिंग डूइंग ऑल दो स्टेप्स। और वहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिला, यू नो बॉलीवुड की जो का जो एक्शन है वो उसका अलग है, यहाँ का रिदम बहुत फास्ट है, तो स्टैनली टोंग जो खुद बहुत कमाल के एक्शन डायरेक्टर हैं, जैकी चैन है वहाँ पर, उनकी पूरी जो टीम है जेसी स्टंट टीम, तो हम लोग ऑफ यू नो सेट्स भी प्रैक्टिस करते रहते थे एक्शन, आई थिंक एवरी डे वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस और बहुत कुछ सीख कर आए हम लोग वहाँ से। पहली बार आपको पता चला कि जैकी चैन के अपोजिट आपको फिल्म मिली है, तो क्या रिएक्शन था और सबसे पहले आपने किसे बताया, किस मतलब किसे शेयर किया ये बात? मैं पंजाब में था जब पहली दफ़ा मुझे मैसेज आया था कि यू नो कि वी आर मेकिंग फिल्म विद जैकी चैन एंड वी वुड लाइक टू स्पीक टू यू अबाउट इट, सो आई वाज प्रीटी एक्साइटेड। मैंने अपने मेरे फादर थे उस समय, मैंने उनसे शेयर किया था कि
ऐसी ऐसी फिल्म मैं आई है करता हूँ, तो ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी सेड लवली, लेकिन थोड़ा ध्यान रखा है एक्शन एक्शन करते हुए, यू नो एज पेरेंट्स यू ऑलवेज यू नो आर स्केयर्ड कि जब आप एक्शन फिल्म्स करते हो आपको चोट नहीं लगनी चाहिए, और बहुत एक्साइटेड थे वो, और अभी नहीं है पापा, लेकिन ये फिल्म मैं उन्हीं के बैनर के अंडर रिलीज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो आई थिंक दिस इज़ माई ट्रिब्यूट टू हिम एज अ सन, एंड आई एम श्योर कि उन्होंने उनके कारण ही यहाँ पर आज हम बैठे हुए हैं, और ये यू नो मैं कर पाया हूँ इतना कुछ, एंड आई होप कि कहीं ना कहीं देख रहे होंगे और उनकी दुआएं हैं, विशेष हैं हमारे साथ, और सब अच्छा ही होगा। एक सीन है आपका अंडर वाटर सीन है, अब जैसे जैकी चैन ने कहा था बहुत डिफिकल्ट रहा है, बहुत जी थोड़ा उसके बारे में बताइए। सो आप इमेजिन करो कि हमने प्रॉपर विंटर बूट्स, विंटर कॉस्ट्यूम, हेलमेट, उसके साथ वी हैड सम 10 pounds, आई डोंट रिमेंबर हाउ मच एग्जैक्टली, सो दैट वी कैन स्टे इनसाइड द वाटर, ताकि हम ऊपर नहीं आए। सो इतना सब वेट डालने के बाद यू नो लाइक इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनी वन टू स्विम, तो अभी हम डिपेंडेंट है किसी और पे कि हमें वो थोड़ा पुश दे या व्हाटएवर, एंड वी हैव सो मेनी वायर्स इनसाइड द पूल, सो एट एनी पॉइंट यू नेवर नो कि कब वायर लाइक एक दूसरे पे उलझ जाए एंड देन यू एंड अप स्टेइंग इन द वाटर। सो इट वॉज आई वॉज वेरी स्केयर्ड बिकॉज कभी मैंने लाइफ में ऐसे अंडर वाटर शूट नहीं किया है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्चुअली गेट द शॉट एंड एवरीथिंग, सो काफ़ी डिफिकल्ट रहा, बट आई हैड स्टैनली विद मी, जैकी विद मी, टू दे रियली रियली टुक केयर ऑफ मी, एंड आई रिमेंबर स्टैनली लाइक रनिंग टुवर्ड मी आफ्टर द शॉट, सो बिकॉज यू अंडर द वाटर यू कान सी, सो वी यूज टू यूज सम साइन लैंग्वेजेस लाइक ओके आई एम फाइन, टेक रोलिंग कैमरा कट, सो और मे बी इफ यू वॉन्ट गो अप मे बी आर फीलिंग वट एवर, सो यू कैन जस्ट डू लाइक अप, so it was really difficult, but Stanley would always like come swimming, like running to me to save me, there'll be like 10 people saving me, and bichara Jackie would be like he would like just be like he never complained, and all of them really took care of me. Jackie will come with a bucket of warm water because we were shooting in the night, we shot for 2 nights, and then it was really cold, and Beijing is like -5 degrees, so he would come with a bucket of hot water, he'll just pour over me, and then you know they all really took care of me. It was a harsh, it was nice. Poster ki baat kare to lion ka jo scene hai aisa dekha jaye to isse pehle scene is bling Akshay Kumar ne bhi same as scene kiya tha jisme car mein sher piche baitha, to usse kuch inspire ya script ki kuch demand kiya nahi, is sher ke sath do sherniyan bhi hai na, to isliye alag hai scene is bling se, aur jab ek sath you know चारों लोग एक गाड़ी में सवार हो जाते हैं तो शेर ज़्यादा डर रहा है बाकी सबसे, सो बट यू नो दैट्स अ फन एंगल, बट हम दुबई में अक्सर देखते हैं कि लोग शेर और लेपर्ड्स और इन टाइगर्स को लेके गाड़ियों में अक्सर निकलते हैं, तो उसी सीक्वेंस से इंस्पायर्ड है कि अचानक जाके एक गाड़ी में बैठ जाते हैं जिसमें पहले से शेर है, बट यू हैव टू सी द फिल्म टू एक्चुअली एंजॉय द होल फन। हमारी इंडस्ट्री आपको काफ़ी मतलब जब तक ये सपोर्ट सिस्टम ना हो तब तक जिंदगी के कदम आगे बढ़ते नहीं हैं, और जो इम्पोर्टेंट पहलू होते हैं आपकी ज़िंदगी के, खासकर जब कुंग फू योगा जैसी फिल्म की बात करें, जब इतने बड़े एक्टर लेजेंड को जैकी चैन को हम लोग हिंदुस्तान लेकर आते हैं, सो तब वो सपोर्ट सिस्टम चाहिए रहता है आपको कि उनको भी स्पेशल फील हो कि पूरा हिंदुस्तान यू नो अपनी भाएँ फैलाए उनका इंतज़ार कर रहा है कि आप बहुत वेलकम हो यू नो आपका है यहाँ पे इस देश के अंदर, सो आई थिंक वो सब हुआ है जो 10-11 घंटे का उनका समय था यहाँ पे हिंदुस्तान में, फ्रॉम एयरपोर्ट टू द टाइम ही लेफ्ट फॉर बीजिंग, वो बड़ा ही कमाल का था, उन्होंने खाने का वक्त नहीं था उनके पास, लेकिन पूरी एनर्जी से पिक्चर प्रमोट कर रहे थे, सो आई थिंक वो खुशी थी जो आप लोगों ने, हम लोगों ने नहीं आप लोगों ने दी उनको, इतने कमाल से वेलकम किया, और आपका जो जुनून देखकर आई थिंक ही वाज ऑन हिज टोज एंड ट्राइंग टू गिव द बेस्ट शॉट, सो ऑल थैंक्स टू यू गाइस। जी जी बिल्कुल ठीक है, डेफिनेटली मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं एक्चुअली मैं अगर जैकी यहाँ मुझे वक्त देते एक या दो दिन में तो मैं डेफिनेटली मीटिंग भी करवाने की कोशिश करता कि क्योंकि ज़रूर मिलना चाहिए, मेरे पहले तो प्लान था कि
अगर हम दिल्ली जा सकें तो हम लोग करें, बट समय कम था इसलिए सब नहीं हो पाया। बट हाँ, उन्होंने एक जो स्टेप लिया है हमारे यू नो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, तो आई थिंक दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि जब जितनी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज़ हैं हिंदुस्तान की और चाइना की, कोलैबोरेशन में फिल्म्स बनाएं, वहाँ के आर्टिस्ट यहाँ आकर काम करें, यहाँ के आर्टिस्ट वहाँ जाकर काम करें, बट दिस इज़ अ ग्रेट ग्रेट स्टेप है। दूसरा सवाल ये है कि कुछ दिनों पहले वेन डीजल भी आकर के गए थे, तो उनके ऊपर बहुत ब्रांड वेलकम हुआ जी, तो वो एडिड प्रेशर था कि कितना उनका और ये भी दूसरे इंटरनेशनल स्टार है, अब आप दिल्ली महसूस कर रहे हैं कैसा रहा वो पूरा एक्सपीरियंस? सच्ची बताऊँ, सच ये है कि जब उनका वेलकम बहुत कमाल का हुआ था, सो एक स्टैंडर्ड्स सेट हो जाते हैं कि यार वो आए थे तो ये सब तामझाम हुआ था, तो कोशिश ये थी कि एक स्टेप ऊपर जाएंगे हम लोग और अच्छा करेंगे, ताकि जो मीडिया भी है उनको भी और मज़ा आए, उनके लिए एक वैसी रूटीन है जैसी ज़िंदगी ना हो कि यार ये आर्टिस्ट है तो ऐसा हुआ वो आर्टिस्ट, हमारा था कि कोशिश थी कि और अच्छा करें और बेहतर महसूस कराएँ हमारी मीडिया को भी, हमारे आने वाले आर्टिस्ट को भी, जितने लोग वहाँ से आए हैं। और ये नया एक मुझे लगता है एक नया ब्रिज है यू नो हॉलीवुड फिल्म्स में और हिंदुस्तान में, कि पहले यू नो फिल्म्स वैसे ही रिलीज़ होती थी, लेकिन अब जब आर्टिस्ट यहाँ पर आते हैं तो आई थिंक ये बहुत मौका देंगे और दूसरे एक्टर्स को हॉलीवुड के, कि यार विन डीजल गए थे बड़ा हिंदुस्तान ने बड़ा उनका वेलकम किया, जैकी चैन गए थे, तो सब एक्टर्स आना चाहेंगे। आई थिंक इट्स अ ग्रेट बिगनिंग एंड आई थिंक वी एज टीम, यू एज द होल फैमिली मेड दिस पॉसिबल एंड वी हैव टू कंटिन्यू दैट, सो दैट जब भी एक्टर्स प्रमोट करें फिल्म, सो हिंदुस्तान उनकी लिस्ट में एक नाम जरूर होना चाहिए कि हमें जाना है तो हिंदुस्तान जाके प्रमोट करना। सोनू, लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होगा कुंग फू योगा बनने से, या फिर ये होगा कि हर तरह आने वाली फिल्मों की तरह ये भी वर्क कर जाएगी, या फिर आने वाले टाइम में एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा दोनों मुल्कों के लिए, ताकि और कल्चर एक्सचेंज हो, आर्ट्स एक्सचेंज हो? देखिए, एक कोशिश तो है, मुझे लगता है जहाँ कोशिश होती है वहीं पर रास्ते खुलते हैं। एक कोशिश हुई, ये फिल्म बनी, आर्टिस्ट वहाँ पे गए, हम लोग मिले वहाँ पर। मुझे याद है कि जब ट्यूबलाइट की शूटिंग शुरू हुई थी तब मैं भी सलमान और उनकी टीम से बात कर रहा था कि किन एक्टर्स को यहाँ ले गया जाए, तो मैंने अपनी फिल्म्स की एक्ट्रेसेस को भी वहाँ रिकमेंड किया था। सो जो ख़ास बात ये है कि जब हमारी फिल्म को वहाँ देखा जाएगा, यू नो व्हेन दे विल सी दिशा, व्हेन दे विल सी अमायरा, जब वो हमें देखेंगे वहाँ की जो नए फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने हमारी फिल्म्स नहीं देखी हुई, सो दे विल रियलाइज कि यार कमाल का टैलेंट है, इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं हिंदुस्तान में, अगर हमारे ऐसे किरदार लिखे जाएँ तो क्यों ना उन्हें लिखा जाए, तो इनके लिए वो बाउंड्रीज खुलती हैं, हमारे लिए मौके मिलते हैं, वैसे ही उन लोगों के लिए भी मिलते हैं। सो आई फील कि ऐसा होना चाहिए, नॉट ओनली इन चाइना, दूसरे मुल्कों में भी वो फिल्म साथ में मिलकर बनानी चाहिए, ताकि यू नो पूरी जो दुनिया की एक इंडस्ट्री है वो एक प्लेटफॉर्म हो, यू नो ना सिर्फ बॉलीवुड हॉलीवुड और यू नो कॉलीवुड, आई थिंक एक ग्लोबल इंडस्ट्री होनी चाहिए दैट एवरीवन वर्क्स एवरीवेयर। अच्छा, जब आमिर खान पिछले बार वहाँ पर गए थे तो वहाँ की अथॉरिटी, खासतौर पर सिनेमा जगत से लोगों ने कहा था, गवर्नमेंट ने कहा था कि इंडिया की कम से कम 4 से 5 फिल्में रिलीज की जाएगी साल भर जी चाइना में जी, तो अब आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू जो फिल्में रिलीज हो जी? आई थिंक इट्स बहुत बहुत बड़ा है, यू नो हमारे हिंदुस्तान में 4,500 से 5,000 स्क्रीन्स हैं, चाइना में 43,000 स्क्रीन्स हैं, तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हमसे ज़्यादा हैं, तो उतने ही ज़्यादा आई बॉल्स हैं देखने के लिए, सो बहुत बड़ा मौका है हिंदुस्तानी फिल्म्स को वहाँ रिलीज़ करने का, जब एक्टर्स पॉपुलर होते हैं, आज दिशा अमायरा है इन फिल्म के अंदर, कल जब इनकी फिल्म्स और दूसरी फिल्म्स करेंगी तो उसका जो रीच होगा चाइना में ज़्यादा होगा, इजी होगा फिल्म का बिजनेस करना, कि अगर आप ये जाने माने चेहरे जो कुंग फू योगा में हैं या कोई और अगर ये फिल्म करते हैं, तो जब ये लोग इनकी फिल्म वहाँ जाएंगी तो उनकी विंडोज़ ज़्यादा खुलेंगी उन स्टेट्स में, उन जहाँ पर इतनी बड़ी स्क्रीन की यू नो गिनती है वहाँ पर। आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव बाय बोथ द इंडस्ट्रीज, और जो चाइना फिल्म कमीशन, हम लोग कई दफ़ा मिले हैं उन लोगों से, आई थिंक दे आर प्रीटी एक्साइटेड टू होस्ट ऑल द इंडियन फिल्म एंड ऑल इंडियन एक्टर्स। तो दोनों में कौन सा सिमिलैरिटी है? आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक टाइगर हैज ऑल्सो लर्न वुशू, सो एंड आई थिंक जैकी ऑल्सो नोज वुशू, ताई ची वुशू, so I think that's why the style is similar because they both are doing kung fu. Sonu, Jackie Chan ke sath kaam karne ke baad
अभी कौन से ऐसे हॉलीवुड एक्टर के साथ आप काम करने का सोच रहे हैं, सो व्हाट नेक्स्ट, और कौन सा ऐसा आपका हॉलीवुड फेवरेट एक्टर है जिससे आप काम करने का आपने अभी आगे सोचा है? देखिए सोच, अगर आप मेरी सोच की बात करें तो मैं एक लंबी लिस्ट दे सकता हूँ सबका नाम लिखकर, पर सोचने से फिल्में नहीं मिलती या फिल्में आती नहीं हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ऐसे एक्टर्स जो आपके सपने होते हैं, जो आपके ड्रीम्स होते हैं, हर फिल्म के साथ बड़े होते हैं, और इस फिल्म ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है, एक स्टैंडर्ड सेट किया है, और मैं ये मानता हूँ कि काम करते रहना इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूरी नहीं कि कितना बड़ा नाम है और कौन सी भाषा है, कौन सी लैंग्वेज है, क्या आपका रोल है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप काम करते रहें, लोगों से मिलते रहें, आपका काम लोगों को दिखता रहे और आप सिंसियरिटी से काम करते रहें, वही कोशिश रहेगी, बट आई एम श्योर यू नो दिस फिल्म विल आल्सो यू नो गिव दैट रीच दैट वी वांट। सुनो, इसके अलावा आजकल जो है प्रमोशन काफ़ी हेक्टिक हो गया है ऐसा आप मानते हैं, क्योंकि हाल ही में जो शाहरुख खान ने जो यहाँ से दिल्ली तक का जो सफर तय किया था उसके अंदर काफ़ी लोगों को चोट लगी थी, तो डू यू थिंक प्रमोशन काफ़ी हेक्टिक हो गया है? देखिए प्रमोशन हमेशा ही हेक्टिक था, अभी और बढ़ गया है क्योंकि नए नए चैनल्स आ गए हैं, नए नए नज़रिए आ गए हैं लोगों के फिल्म्स को देखने के, तो चैलेंजिंग तो डेफिनेटली है, और आजकल एक्सक्लूसिव चैनल काफ़ी आ गए हैं, तो इसलिए एक्सक्लूसिवली ही इंटरव्यूज देनी पड़ती है सबको, सो आई थिंक भाई कहाँ है, सो नहीं कुछ ऐसे इट्स ऑल मस्ती, बट या प्रमोशंस आर फन, और प्रमोशंस का दौर ऐसा होता है जब हम आप लोगों से मिलते हैं, सो वी कनेक्ट विद देम, और आप लोग भी हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारी फैमिली है, सो इसलिए यू नो वी लव यू ऑल। सो जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैकी चैन ने सलमान का जिक्र किया है, आमिर का जिक्र किया है, सलमान का जिक्र करते हैं बहुत कम देखा हमने उन्होंने कहानी, तो जैकी चैन कितना शाहरुख खान को जानते हैं, जितने आप उनके जैकी चैन के करीब हैं, कुछ बातें हुई शाहरुख खान के बारे में? या डेफिनेटली यू नो उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर देखी थी, डायरेक्टर ने भी जब मुझे कास्ट किया गया, तो ऑब्वियसली एवरीवन नोज शाहरुख, आमिर, सलमान, सब लोग जानते हैं, कितना वक्त मिलता है फिल्म देखने का ये पता नहीं है उनको, लेकिन दे फील नाइस यू नो जब उनको, जब वो आपके देश में आते हैं और यहाँ के जो एक्टर्स हैं उन्हें मिलते हैं, दे गेट दैट वार्म वेलकम, तो अच्छा लगता है। आई थिंक शाहरुख वुड हैव लव्ड, मैं शाहरुख से बोला भी था कि अगर वो आ सकते, बट आई थिंक दैट डे ही वाज प्रमोटिंग हिज फिल्म, जब वो ट्रेन का उनका ट्रिप था, नहीं तो शाहरुख भी उनसे ज़रूर मिलते, बट लाइक आई सेड यू नो दिस इज बिगनिंग, अभी बहुत सारी करनी है, हु नोज़ कुंग फू योगा 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कहाँ पे बने, तो इट्स जस्ट अ बिगनिंग। रईस और काबिल रिलीज हो गई है, तो दोनों भी तो देख सकते हैं भाई, क्या टेंशन है, थिएटर में जाओ, दोनों फिल्म्स देख कर आओ, दोनों कमाल की फिल्म्स हैं, यू नो मेड बाय ग्रेट फिल्म मेकर्स, ग्रेट एक्टर्स, सो आई लव टू वॉच बोथ द फिल्म्स एंड आई रियली वांट बोथ द फिल्म्स टू डू वेल। अच्छा, मेरा सवाल हमारा दिशा आप दोनों से है, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा, ये दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया, अपना भी नाम रोशन किया, इस फिल्म के जरिए दो नाम और जुड़ेंगे। हाँ, दो नाम तो जुड़ जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में विद प्रॉपर प्रोनंसिएशन, राइट? वो जी आशा पार्टी है हमारा, ये हमारा आशा है, बस आशा। यस, कुछ कहना चाहेंगे इस फेम के बारे में जो आपको मिलने जा रहा है दोनों? हाँ, फेम के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आपको इंटरनेशनल लेवल पे आपको जो फेम मिलेगा इस फिल्म के जरिए, कुछ कहना चाहिए? मैं पता है बहुत सिंपल लड़की हूँ, मुझे फेम और ये सब समझ में नहीं आता, काम कर रही हूँ और जब अप्रिसिएशन मिलता है, लोग पहचानते हैं, बहुत खुशी होती है, बिकॉज लगता है कि कोई देख रहा है आपका काम और यू नो कोई ना कोई आपके कैरेक्टर से रिलेट कर पा रहा है, आपकी फिल्म को एंजॉय कर रहा है, तो आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग विच रियली रियली मेक्स मी हैप्पी व्हेन पीपल कम अप टू मी एंड से आई लव योर फिल्म, सो आई थिंक दैट्स माई मोटिव इन लाइफ। आई थिंक आई हैव जस्ट स्टार्टेड, आई डोंट नो अबाउट फेम और रिकग्निशन राइट नाउ, बट इट्स टू अर्ली फॉर मी टू इवन लाइक से दैट और टू यूज़ दिस वर्ड। I'm just working and I really want to work hard every day. I think जब दिशा में शॉपिंग गए थे सिंगापुर में, हमें पता नहीं था कि एक्चुअली हमारे पास एक बॉडीगार्ड था। He was actually, and I was like telling Disha, I was like, this dude is like everywhere, you know. He was like, we went to this store and that store, and I was like, there's someone following us. So I think both of us realized that it's a bodyguard, and you know, we just felt weird, na? We were like, you know, क्या ज़रूरत है and all of that. So I still feel like that. I still feel like it's something that I don't think I'll ever get used to. Like I like going out, I like doing my own thing, I like being left alone. Like even when people come up and ask for a selfie, which is bahut awkward lagta hai, you know.
I'm just like, you know, watch my film, be happy, and that's it. चाइना के बाद अब जरूर अब सोच रहे कि अब जापान भी एक बार जाया जाए, कोरिया जाए, या फिर फिलीपींस भी, वहाँ पे भी हम चाइनीज लैंग्वेज आपने कुछ देखिए मैंने ना सीखी थी एक्चुअली, सही पूछा तो मैंने बड़ी क्लासेस भी ली थी और बड़ी अच्छी मैंने पकड़ ली थी, फिर उसके बाद कोई चाइना चाइनीज बोलता नहीं तो भूल गया धीरे धीरे वापस, यू नो, और बड़ी सिंसियरली क्लासेस मेरे वहाँ अभी भी सारे नोट्स बना के रखे हुए हैं, तो मैं आई विश के आई कुड कंटिन्यू, और जितनी मेहनत कुछ ज़्यादा नहीं आई थी, वो जो मैं बोल सकता हूँ वही है नीहा माँ देव लाल से, बट हाँ सो की हम लोग अभी वैसे हम कुछ भी बोले आपको समझ वैसे नहीं ढेला आने वाला, इसलिए क्योंकि चाहे चाइनीज जो लैंग्वेज है बहुत एक्सक्लूसिव है, किसी को ढेला नहीं समझ आने वाली। हाँ जी थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।